राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर फ्यूजन टेक ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल लोग आज के टाइम पे तो बिजली हर जगह है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक सेकंड के लिए लाइट चले जाती है। आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं, पहाड़ों में कहीं जाते हैं, ट्रेकिंग में कहीं जाते हैं, घूमने फिरने कहीं जाते हैं, या रात को गाड़ी खराब हो जाती है सड़क पे, तो लोग परेशान हो जाते हैं, फोन की फ्लैश मार के देखते हैं। तो उस टाइम पे एहसास होता है कि हाँ यार, टॉर्च होनी चाहिए। वैसे तो आज के टाइम पे टॉर्च को यूज नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे सबको टॉर्च आ जाती है। लेकिन पहले वाली टॉर्चेज ऐसी काफी हैवी होती थी, लाइट वेट नहीं होती थी, इजी टू कैरी नहीं होती थी। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई चीज लाया हूँ, वो है टॉर्च। तो हम आपके लिए दो टॉर्चेस लेकर आए हैं, उसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको उसके बारे में नॉलेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बड़ी वाली टॉर्च की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये 3 वाट की टॉर्च है, तो देखते हैं, करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। ओहो, तो ये आ गई पिटारे से बाहर हमारी वॉच, और सॉरी वॉच नहीं, टॉर्च। मैं भी ना वॉच की बनाएंगे, कोई नहीं। साथ में एक माइक्रो यूएसबी की डेटा केबल, और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें साथ में मैग्नेट दे रखी है, तो ये जो है ताकि आप इसको कहीं भी लगा सकें। मेरे पास अभी कुछ है नहीं, पर मैं आपको इसको पेस्ट जरूर करके दिखाऊंगा, सिक जरूर करके दिखाऊंगा दीवार पे। साथ में नीचे यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, थोड़ा फोकस करके, तो यहाँ पे एक ब्लेड दे रखा है। इमरजेंसी में जैसे अगर आप कार में कहीं फंस जाते हैं, बेल्ट लगी होती है, खुल नहीं रही होती है, निकल नहीं रहे होते हैं, तो क्लिक करना है, बेल्ट कट जाएगी। या कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट जो पतला आपको काटना है, तो उसके लिए अच्छी है, काफ़ी इमरजेंसी में काफ़ी काम आती है। साथ में एक ग्लास ब्रेकर दे रखा है, हैमर का काम करता है ये, तो ग्लास को ब्रेक करने के काम आता है ये, काफ़ी मजबूत है, देख लीजिए। अभी आपको इसकी भी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। और ये इसका कैप है, इसकी रबर कैप, तो ये इसके ऊपर लग जाती है। ये हमारी टॉर्च है, ये भी हमारी इमरजेंसी लाइट ही है। ये लाइट इसलिए कि आप कहीं रख सकें, और ये कहीं आपको कुछ लाइट मार के देखना हो, आप चल रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उसमें काम आएगी। तो चलिए इसकी एक बारी लाइट को चेक करते हैं, आइए। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो भाई एक बारी लाइट बंद कर दो, वीडियो ऑन रहने दो, तो अब चेक करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी लाइट है, वो देखिए सामने कितना दूर तक जा रही है, लाइट काफ़ी इसकी स्ट्रांग है। एक प्रेस और करेंगे तो ये थोड़ी डिम हो गई, फिर ये ब्लिंक करने लग गई ऐसे डिपर की तरह। साथ में एक प्रेस और करते ही ये इमरजेंसी लाइट हो गई, ये देखिए अब वीडियो बन रही है बिना लाइट के। तो कई लोग जो वीडियो बनाते हैं, रिंग लाइट नहीं खरीद सकते, रिंग लाइट जैसे महंगी आती हैं बड़ी, तो वो इससे भी बना सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है। आपने वीडियो के अंदर तो दिखाना नहीं है कि मैं लाइट कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपनी रिंग लाइट की जगह इस लाइट को भी यूज़ करिए। घर पर लाइट चली जाए इमरजेंसी में, बाथरूम जाने में डर लग रहा हो, वॉशरूम जाने में डर लग रहा हो, तो इसको साथ लेके जाइए, बड़े मजे से। ओहो प्रेशर आ। और हैमर इसका आप टेस्ट करें एक बारी, हैमर रह गया था, हैमर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, मेरी पुरानी स्कूटी है, अब इसमें टेस्ट करते हैं अपना इसको टॉर्च को विद हैमर। इसका हैमर हमने टेस्ट करना है, टेस्ट करते हैं। अब तोड़ रहा हूँ, भगवान ने चाहा दूसरी स्कूटी मिल जाएगी, आप सबका आशीर्वाद रहा साथ में। तो चलिए टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हल्का सा डॉट आ रखा है, मैं साइड में मारूंगा ताकि आपको ये देख लीजिए कि बिल्कुल साफ है, हाथ थोड़े गंदे हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे डॉट है, मैं यहाँ पे मारूंगा ताकि इसको तोड़ सकूं, आपको लगे ना ये वीडियो फेक है। तो ये भी मैंने ट्राई किया था, झूठ नहीं बोलूंगा, पहले टेक भी टूट गया था, तो अब इसमें तोड़ के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी टॉर्च को पहले आप देख लो, बिल्कुल सही है, कहीं से इसको खरोंच नहीं आई है। और एक बार इसको देख लीजिए, वो वाला निशान देख लीजिए पहले आप फोकस करके, कि वो वहीं का वहीं है। और ये भाई साहब हमारे बिल्कुल अपने बांग बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो चलिए दूसरी वो चेक करते हैं। अरे इसको तो चेक करें, बंद तो नहीं हो गई, इसको हमने टेस्ट कर लिया साथ में, अब इसको देखते हैं यूज कैसे करते हैं। सेल से नहीं चलती, मैं पहली बात आपको बता दूं, तो आप कहीं भी जाएं तो आपको सेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने पावर बैंक से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज होती है माइक्रो यूएसबी केबल से, नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज हो जाएगी आपके। तो यहाँ पे इसका माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, यहाँ से चार्ज हो जाएगा। साथ में ये आई एक पावर बैंक का काम भी करती है, तो आप इसको पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हैं। बट मैं टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा, इसकी बैटरी इतनी पावरफुल नहीं है कि आपके फोन को चार्ज कर पाए, तो आप इसको नॉर्मल टॉर्च की तरह यूज करना। इसका प्राइस है मात्र 250 रुपए मेरे काउंटर पे, मैं इसको 250 रुपए का बेच रहा हूँ ऑनलाइन, ये 500-1000 रुपए की लोग अपने अपने रेटों के हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन जो वीडियो देख के आएगा उसको इसमें मैं 25% ऑफ दूंगा, 20% ऑफ दूंगा, 20% ऑफ को मैं दूंगा, ये सिर्फ 200 रुपए के अंदर।
तो चलिए देखते हैं, अब दूसरी टॉर्च की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है।